अमरावती महाराष्ट्र राज्य का एक जिला जो इंद्र देवता की नगरी नाम से विख्यात है और इसे इंद्रपुरी भी कहते हैं। अंबाजी मंदिर के लिए प्रसिद्ध इस जिले में छत्री तालाब और वडाली तालाब भी पर्यटन के आकर्षण रहे हैं। दिनों दिन वाहनों की बढ़ती संख्या और पार्किंग के अभाव व अतिक्रमण के चलते रास्ते सिकुड़ रहे हैं, जिससे भीड़ भाड़ वाले इलाकों में यातायात जाम की स्थिति पैदा हो रही है। ऐसे में दुर्घटना की संभावना बनी रहती है। ऐसी स्थिति को बदलने के लिए केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी जी ने अपने मंत्रालय की मदद से पहल की है। गडकरी जी के प्रयास से अमरावती शहर तथा जिले में काफी सड़क परियोजनाएं परिचालित की गई हैं। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI के माध्यम से अमरावती जिले में राष्ट्रीय महामार्ग 53 पर होटल गौरी इनके सामने वाई जंक्शन पर ग्रेड सेपरेटर फ्लाईओवर के निर्माण की परियोजना का श्री गडकरी जी के शुभ कर कमलों द्वारा भूमि पूजन होने जा रहा है। 1.58 किलोमीटर लंबे इस फ्लाईओवर का लागत मूल्य लगभग 44.39 करोड़ रुपए है। इस परियोजना से राष्ट्रीय महामार्ग 53 पर अमरावती शहर की ओर जाने वाले वाहनों की क्रॉसिंग से जो ब्लैक स्पॉट बना था उसका निर्मूलन होगा और दुर्घटनाओं का खतरा टल जाएगा। राष्ट्रीय महामार्ग विभाग लोक निर्माण विभाग के माध्यम से 220.52 किलोमीटर लंबाई वाली एवं 1,851.60 करोड़ रुपए लागत की 5 योजनाओं का श्री गडकरी जी द्वारा लोकार्पण होने जा रहा है। काटोल वरुड राष्ट्रीय महामार्ग 353J पर पेव्ड शोल्डर के साथ 2 लेन कंक्रीट सड़क का निर्माण करना। इस परियोजना की कुल लंबाई 40.47 किलोमीटर है तथा लागत मूल्य 463.62 करोड़ रुपए है। राष्ट्रीय महामार्ग 353K पर नांदगांव पेठ मोशी तक का पेव्ड शोल्डर के साथ 2 लेन कंक्रीट सड़क का निर्माण करना। इस परियोजना की कुल लंबाई 43 किलोमीटर है तथा लागत मूल्य 385.97 करोड़ रुपए है। राष्ट्रीय महामार्ग 353K पर मोशी वरुड पांडुरना महाराष्ट्र सीमा तक का पेव्ड शोल्डर के साथ 2 लेन कंक्रीट सड़क का निर्माण करना। इस परियोजना की कुल लंबाई 52.39 किलोमीटर है तथा लागत मूल्य 471.61 करोड़ रुपए है। राष्ट्रीय महामार्ग 347A पर तलेगांव से गोणापुर तक का पेव्ड शोल्डर के साथ 2 लेन कंक्रीट सड़क का निर्माण करना। इस परियोजना की कुल लंबाई 43.30 किलोमीटर है तथा लागत मूल्य 264.41 करोड़ रुपए है। राष्ट्रीय महामार्ग 548C पर अंजनगांव परतवाड़ा बैतूल महाराष्ट्र राज्य सीमा तक का पेव्ड शोल्डर के साथ 2 लेन कंक्रीट सड़क का निर्माण करना। इस परियोजना की कुल लंबाई 41.36 किलोमीटर है तथा लागत मूल्य 265.99 करोड़ रुपए है। PWD और NH द्वारा राष्ट्रीय महामार्ग 353J काटोल वरुड रोड पर 3 स्थानों पर ब्रिज कम बंधारा का निर्माण पूर्ण हो चुका है। 95.360 किलोमीटर पर जीरा नदी पर निर्मित ब्रिज कम बंधारा की पानी क्षमता 15.5 TCM है। इसकी लंबाई 49.13 मीटर तथा लागत मूल्य 96,94,539 रुपए है। इस ब्रिज कम बंधारा के निर्माण से नजदीकी सुरली तथा कुरली गांव को मई तथा जून महीने में पानी की किल्लत महसूस नहीं होगी। 90.600 किलोमीटर पर बेलना नदी पर निर्मित ब्रिज कम बंधारा की पानी क्षमता 16.5 TCM है। इसकी लंबाई 54.13 मीटर तथा लागत मूल्य 1,06,56,840 रुपए है। इस ब्रिज कम बंधारा के निर्माण से नजदीकी चंदस तथा वाठोड़ा गांव को मई तथा जून महीने में पानी की किल्लत महसूस नहीं होगी। 85.640 किलोमीटर पर सदावर्ती नदी पर निर्मित ब्रिज कम बंधारा की पानी क्षमता 9.2 TCM है। इसकी लंबाई 35.98 मीटर तथा लागत मूल्य 70,43,850 रुपए है। इस ब्रिज कम बंधारा के निर्माण से नजदीकी ढगा गांव को मई तथा जून महीने में पानी की किल्लत महसूस नहीं होगी। इन 3 परियोजनाओं का श्री गडकरी जी द्वारा लोकार्पण होने जा रहा है।
केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी जी के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने सन 2017 में इन सड़कों पर यातायात बढ़ने से इन्हें राष्ट्रीय महामार्ग घोषित किया था, जिससे महाराष्ट्र के नागपुर, अमरावती, अकोला इन तीन जिलों से मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा, बैतूल, पांढुर्णा आदि के दरमियान सफर के लिए काफी कम वक्त लगने लगा है। इससे बहुमोल ईंधन और समय की बचत भी हो रही है। साथ ही नागपुर अमरावती क्षेत्र के संतरा व्यापारियों को अपने माल की ढुलाई में काफी आसानी हो रही है, जिससे दोनों राज्यों की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिल रहा है। लोक निर्माण विभाग PWD अमरावती के माध्यम से केंद्रीय सड़क निधि CRF अंतर्गत 48.19 करोड़ रुपए लागत मूल्य की 5 परियोजनाओं का भूमि पूजन श्री नितिन गडकरी जी द्वारा संपन्न होगा, जिसमें 32.99 किलोमीटर लंबे सड़कों का डामरीकरण, 12 कलवर्ट, 3 छोटे पुल एवं 1 बड़े पुल के निर्माण का समावेश है। इन 5 परियोजनाओं का भी आज श्री गडकरी जी द्वारा भूमि पूजन हो रहा है। अमरावती शहर का विस्तार तेजी से हो रहा है, वाहनों की संख्या में भी इजाफा हो रहा है। यातायात की गंभीर समस्या का असर नागरिकों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ रहा है। ऐसे में लंबे अरसे से सड़क परियोजनाओं का परिचालन बहुत जरूरी था। केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी जी ने वक्त की मांग को पूरा करते हुए इन परियोजनाओं द्वारा नागरिकों की त्रासदी को कम करने में अपने मंत्रालय द्वारा गुणवत्तापूर्ण कदम उठाए हैं। ये सड़क परियोजनाएं देश के तथा अमरावती शहर एवं जिले के विकास में अपना बहुमोल योगदान देकर इस क्षेत्र को प्रगति की दिशा की ओर संचालित करेगी।